हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो गाइस इस टाइम मैं हूँ झांसी शहर में और आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं ये स्पेस म्यूजियम झांसी में जो खुला हुआ है। अगर आप लोग झांसी में घूमने के लिए आते हैं तो आप लोग झांसी के स्पेस म्यूजियम में आप लोग घूम सकते हैं। तो मैं आप लोगों को झांसी के स्पेस म्यूजियम में लेके जाऊँगा और आप लोगों को झांसी का जो स्पेस म्यूजियम है वो आप लोगों को दिखाऊँगा। चलिए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ स्पेस म्यूजियम और आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हो ये सोनम खड़ी हुई है और हमारी क्यूटी पाई है खड़ी हुई है। तो हम तीनों लोग आए हैं स्पेस म्यूजियम और ये है बाहर से गेट जो आप लोग जाएंगे। तो ये बिल्कुल नया ही खुला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्पेस म्यूजियम। आप लोग जाएंगे अंदर की तरफ। चलिए यहाँ पे जो टिकट काउंटर है यहाँ से टिकट लेते हैं। तो ये बना हुआ है टिकट काउंटर, यहाँ से मैंने टिकट है ले ली है और 50 रुपये पर पर्सन की टिकट है, 2 टिकट ली है मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से ये रोबोट टाइप से यहाँ पे मिल जाएगा और सामने ध्यानचंद का म्यूजियम है और प्रतिमा भी यहाँ पे बनी हुई है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ध्यानचंद का म्यूजियम घुमाऊंगा, फिलहाल स्पेस म्यूजियम चल रहा हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, ये है झांसी स्पेस म्यूजियम, अंदर का व्यू और नज़ारा देख सकते हैं कितना ज़्यादा औसम है। और यहाँ पे ऊपर साइड में जो राशि हैं उनके आइकन आ रहे हैं तो वो आप लोग राशि देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे जो मैथ्स के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा यहाँ पर टाइम दे के आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं और यहाँ की जो वीडियो हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अपने पहले उपग्रह का नाम मेरे नाम पर रखा था। मैं इस अंतरिक्ष संग्रहालय में आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं ताकि आप मेरे परिदर्शन खुद की तथा साथ ही साथ आपके बाद आने वाली कई पीढ़ियों की सहायता के लिए ज्ञान के प्रति प्रेम, उसका पोषण उसकी और भी प्रकाश। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं अगले गेट से निकलूँगा अंदर की तरफ, जहाँ पे पूरा जो स्क्रीन है वो दिखाई जाएगी यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो सामने। दोस्तों अब मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ अगले रूम के अंदर, जहाँ पे कुछ इस तरीके से सारे ग्रहों के बारे में स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इधर आप लोगों को स्क्रीन मिल जाएगी जहाँ पे आप लोग हर ग्रह के बारे में, सूर्य चंद्रमा के बारे में टच करके स्क्रीन पे देख सकते हो। साथ में ये इस तरीके से व्यू है जो अभी आप लोग देख रहे हो और यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन मिल जाएंगी चारों तरफ लगी हुई। तो इसके बारे में क्या है कि मतलब स्पेस के बारे में आप लोग जो भी है अंतरिक्ष वगैरह सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी।
और यहाँ पे आप लोग अपने कान में ईयरफोन लगा के जो रहते लाउड स्पीकर लगा के आप लोग सुन सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ अगले रूम में, जहाँ पे रॉकेट का किस तरीके से क्या आविष्कार हुआ है वो दिखाया गया है। बगल में ये रॉकेट यहाँ पे बने हुए रखे हुए हैं, जो भी आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉट आइसरो का है, और यहाँ पे आप लोग जो है फोटो खींच सकते हैं, वीडियो निकलवा सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप लोग। और ये देख सकते हैं मैं अभी स्पेस के अंदर हूँ, और सारे लोग जो आप लोग देख रहे हैं सारे लोग स्पेस के अंदर हैं। और अभी ये वाला एंट्री गेट है, अभी खुलेंगे। क्या खुलेगा? खुलेगा वो देखो, खुलेगा। इसकी शुरुआत की कहानी दिलचस्प। इन तस्वीरों को देखिए। प्रक्षेपण के लिए तब छोटे रॉकेट के कल्पों से बैलगाड़ी और साइकिल तक से खोए गए थे। 54 साल बाद बीते दिनों चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए। अब दोस्तों आप लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ अगले वार्ड में, जहाँ पे यहाँ पे स्क्रीन जो प्रोग्राम है वो चलाया जाता है। इस पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाए, सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती है और बनती रहती है। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई है। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए थे, और इसी ने इस ग्रह को उसका नीला रंग दिया। यहाँ पर जीवन की प्रथम रूप दिखाई दी। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मेंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोर स्थित है। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। बढ़ती जनसंख्या के साथ आने वाले भविष्य में भोजन की कमी होना स्वाभाविक है, जिससे दंगे, युद्ध और अंततः संपूर्ण विनाश होगा। अभी भी समय है, जाग जाए, ये हमारा एकमात्र घर है। धरती माँ ने हमें जीवित रहने के लिए बहुत कुछ दिया है, इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं हुआ। आइए आज हम सब ये प्रतिज्ञा कर सुनिश्चित करें कि हम इस ग्रह को और भी अधिक सजीव बनाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, अब चल रहे हैं अगले वार्ड में, जहाँ पे स्क्रीन प्रोग्राम वहाँ पे भी दिखाया जाता है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं, अपनी सीट पर बैठे हैं। ये यात्रा कभी कभार उबड़-खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूँ। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। सूर्य से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को बात करेंगे, शुभ ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाए।
में से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह, ये केवल बुध से बड़ा है। जैसे ही हम बृहस्पति के चारों ओर उड़ते हैं, जो सूर्य से पांचवा ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। तो गाइस अब यहाँ पे मैं आ चुके हैं वार, और यहाँ पे जो VR राइड है वो करेंगे स्क्रीन पे, और आप लोग देख सकते हैं। तो इसके जो चार्जेस है वो आपके अलग लगेंगे, ठीक है। तो मुझसे जो चार्ज लिए थे 100 रुपये लिए थे, गाइस स्पेस म्यूजियम से आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पे VR जो राइड है वो भी मैंने की। आ चुकी हैं सोनम, और इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, अगर आप लोग आना चाहें ना तो आप लोग झांसी में आ जाइए, और झांसी में आप लोग जब किला के पास आएंगे 1 किलोमीटर आगे चले जाइए, स्पेस आप लोग किसी से भी पूछ लीजिए या गूगल मैप कर सकते हैं, और स्पेस म्यूजियम आप लोग गूगल मैप पे डाल दीजिए, आप लोग आ जाएंगे। किसी ना किसी से पूछ लीजिए तो आप लोगों को कोई ना कोई बता देगा। तो ये स्पेस म्यूजियम देख सकते हैं। खैर, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।